कि अमेरिकी ठिकानों पर अटैक के लिए ईरान की ओर से फतेह बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थीं, ये अब कंफर्म हो चुका है और इसके लिए एक दो नहीं बल्कि 12 फतेह मिसाइलों को फायर किया गया। ईरान की ओर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं और फतेह 110 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है ईरान ने, जो अपने आप में विध्वंसकारी मानी जाती हैं। अब कितना नुकसान हुआ है अमेरिकी काउंसलेट को, कितना नुकसान हुआ है अमेरिकी सैन्य अड्डों को, ये देखने वाली बात होगी। अंजलि, तो देखिए लगातार जो है वो बड़ी खबरें आ रही हैं और उससे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फतेह 110 मिसाइल की बात हो रही है, क्या है ये मिसाइल और कितनी इसकी ताकत है, ये सबसे जरूरी है जानना। कम दूरी की सटीक निशाने की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। फतेह 110 को NP-110 के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ईरान की एयरोस्पेस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है। मिसाइल की सतह से सतह पर मार करने की क्षमता है। फर्स्ट जेनरेशन का सितंबर 2002 में 200 किलोमीटर रफ्तार पर परीक्षण हुआ और साथ ही सेकेंड जेनरेशन का सितंबर 2004 में 250 किलोमीटर की रफ्तार से परीक्षण हुआ। 2010 की बात करें तो थर्ड जेनरेशन की गति को 300 किलोमीटर तक बढ़ाया गया और 2012 में चौथी जेनरेशन का भी परीक्षण हुआ और तकनीक में और सुधार किया गया। फतेह 110 मिसाइल क्या है, उसकी खासियत आपको बता रहे हैं। मिसाइल का इस्तेमाल ईरान और सीरियाई गृह युद्ध में भी किया गया। तो ये फतेह 110 मिसाइल की बात हुई। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कपिल सर और जो लगातार हमारे गेस्ट चर्चा कर रहे थे कि आने वाले समय में कुछ और ऐसे मोर्चों पर बड़ी आहट युद्ध की देखने को मिल सकती है, अगर हम ये समझे और ये देखें तो क्या अमेरिका को चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है? जो उसके दुश्मन देश है वो चाहते हैं कि सुपर पावर सब इसको जीरो पर लाने का समय आ गया, शून्य पर लाने का समय आ गया। जी जी, तो सबसे पहले तो जो आप ये बता पूछ रहे हैं कि सुपर पावर से शून्य पे लाने का समय आ गया, तो वो समय आया नहीं है। वो जिस दिन अफगानिस्तान छोड़ के गए थे और भाग के गए थे उसी दिन वो समय आ गया था। तो सबसे पहले तो ये यूएस के साथ सुपर पावर आगे प्रीफिक्स जोड़ना अभी सही नहीं है, और क्योंकि वो अभी एक सुपर पावर है ही नहीं और ये हर तरफ से हमको दिखाई दे रहा है कि हर जगह वो लीडर बनता है, चाहे यू की बात आप कर ले, यूएनएससी की बात कर ले, हर जगह लीडर बनता है अमेरिका और शांति और लोकतंत्र को बचाने के लिए कहता है कि सबसे मजबूत देश अमेरिका ही है। नहीं, वो खुद बोलता है ना, बाकी एक्शंस तो उसके नहीं बता रहे ना। और इस पर देखना होगा अंजलि कि किस तरह से रिटेलिएट किया जाता है एक तरफ से। लेकिन अब ज्वाइन करना चाहूंगा मैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर आपको, क्योंकि जैसा तिवारी सर की तरफ से बताया गया कि ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के अंदर जो सील कमांडोज हैं वो यूक्रेन के साइड से लड़ रहे हैं रशियन फोर्सेज के खिलाफ, तो क्या अब आपको ऐसे में ये कंफर्म होता नजर आ रहा है कि रूस और ईरान ने मिलकर इन 12 मिसाइल अटैक्स को अंजाम दिया इराक के अंदर? और अगर ऐसा है तो फिर किस तरह से अमेरिका की तरफ से इस पर जवाब दिया जा सकता है अगर यह बात कंफर्म होती नजर आती है तो? देखिए, मैं दो तीन बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। पहली बात, आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों से जो एशिया और यूरेशिया में अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट चल रहा है, उस अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट में हम एक कंट्री को अभी भी भूल रहे हैं डिस्कशन में, चीन को। चीन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करने में एशिया में। आप ये देखिए कि मलेशिया, टर्की, ईरान, इनके जो एक इस्लामिक वर्ल्ड का एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स अमेरिका के खिलाफ चीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अभी एक अपॉर्चुनिटी मिला है जो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि यूक्रेन में जो जो वॉर चल रहा है उसमें रशियन फोर्सेज आर्टिलरी वॉरफेयर चल रहा है, लेकिन उसी को उसमें ये देखिए कि अमेरिका ने जो पॉलिसी अपनाई, चाहे वो यूक्रेन की वॉर को लेके नाटो के साथ मिलके, या आप ये कहिए कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड और जितनी भी किया, वो मुझे कहीं लगता है कि बैकफायर होती नजर आ रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।